नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल किंग क्रॉफ फिडेलिटी में। और आज हम देखेंगे बेनिफिट्स ऑफ गूगल ड्राइव सीट। जैसा कि हम नॉर्मली कोई सीट क्रिएट करना है, वर्ड क्रिएट करना है, पावर पॉइंट क्रिएट करना है, तो हम नॉर्मली एमएस ऑफिस 2007, 16, 10 वगैरह यूज करते हैं। अगर आपके पास पेड लाइसेंस वर्जन या फिर क्रैक वर्जन आपके पास ऑफिस नहीं है तो आप क्या करेंगे? आपके पास एक सोल्यूशन होना चाहिए कि आप अपनी सीट वगैरह कैसे क्रिएट करेंगे, तो उसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। और ये हम सीखने की कोशिश करेंगे कि हम अपने डेटा को, लाइक आपका ईमेल आईडी, ढेर सारे ईमेल आईडी हो गए, बैंक अकाउंट नंबर हो गया, ढेर सारे ऑनलाइन नेट बैंकिंग के जो आप यूजर नेम पासवर्ड यूज करते हो, उसको कैसे सेव करके रखें, क्योंकि हर चीज के आप पासवर्ड वगैरह यूज याद नहीं कर सकते। तो वो चीज आज हम सीखेंगे। तो क्या है गूगल ड्राइव सीट? तो सबसे पहले हमें अपने क्रोम पर जाना होगा। ये रहा क्रोम, मैं आपको नजदीक से जूम करके दिखा देता हूं, ठीक है? इसके ऊपर हमें डबल क्लिक करना है, ठीक है? तो हम यहाँ पर इस पे डबल क्लिक कर देते हैं, क्रोम ओपन हो गया, हम इनकॉग्निटो पे जाते हैं, ठीक है? यहाँ पर हमें टाइप करना है जी, गूगल पे आप आ जाइए डायरेक्टली, ठीक है? यहाँ पर आपको देख सकते हो जीमेल का ऑप्शन है, ठीक है? जीमेल पे हमें क्लिक करना है। जीमेल पे क्लिक करने के बाद नॉर्मली साइन इन जैसे हम करते हैं जीमेल को, हमें साइन इन करना है, ठीक है? बट मैं यहां से नहीं कर रहा हूं, आप कर लीजिएगा, ठीक है? मैं इसे बंद करता हूं और यहां पर मैंने ऑलरेडी मेरा जीमेल अकाउंट लॉग इन है। तो जैसे कि ये मेरा, आपको मेरा खुद का जीमेल अकाउंट आपको मिल जाएगा। अब क्या करना है कि गूगल ड्राइव पे जाना है, ठीक है? तो यहाँ राइट हैंड साइड पे आपको टॉप पे दिख रहा होगा एक थ्री डॉट डॉट के निशान, नाइन डॉट डॉट के निशान है, ठीक है? ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है? इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। आइए देखते हैं। जैसा ही क्लिक किया मैंने तो यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शन आ गए, माई अकाउंट, मैप्स, यूट्यूब, न्यूज, जीमेल, सर्च एंड ड्राइव। तो हमें और कोई ऐप को देखना नहीं है, सिर्फ ड्राइव, क्योंकि ड्राइव पे हम बात कर रहे हैं, तो हमें इसको इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? डबल क्लिक किया तो नए टैब पे आपको दिख गया होगा गूगल ड्राइव। यहां पर आप देख सकते हैं गूगल ड्राइव, ये गूगल ड्राइव, ठीक है? अब हमें एक शीट रेडी करनी है, तो हमें न्यू पे जाना है। यहां पर न्यू का ऑप्शन ये दिख रहा है आपको, हमें न्यू पर क्लिक कर दिया, हमने न्यू पे क्लिक किया तो ढेर सारे ऑप्शन ओपन होके आपके सामने आ गए, ठीक है? तो यहां पर आप फोल्डर बना सकते हैं, फाइल अपलोड कर सकते हैं, फोल्डर न्यू अपलोड कर सकते हैं, बट हमें इस पे बात नहीं करनी है। गूगल डॉक, जैसे ऑफिस में वर्ड होता है, एक्सेल होता है, सीट गूगल ऑफिस में सीट होता है एक्सेल, और यहां पर गूगल स्लाइड का मतलब होता है कि पावर पॉइंट, ठीक है? पीपीटी। तो आज हम सीट पर बात करेंगे, ठीक है? यहां पर हम सीट देख सकते हैं, ये रहा सीट, हमें इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? हमने क्लिक कर दिया, एक नया टैब ओपन होके आ गया। तो एक छोटी सी सीट हम क्रिएट करेंगे पर्सनल डेटा के नाम से, ठीक है? पर्सनल डाटा, ठीक है? तो ये अपने अपने इस फाइल का नाम हम अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं कुछ भी, या फिर रख देते हैं यहां पर KINGCROF, किंग क्रॉफ डेटा, ठीक है? अब आपके पास ढेर सारे बैंकों के यूजर नेम है, और यूजर नेम तो चलो हम सेम रख सकते हैं, बट पासवर्ड तो सभी साइट्स में अलग अलग डालना पड़ता है, रिक्वायरमेंट होती है, तो आप पासवर्ड सारे यूज नहीं कर सकते हैं। तो एक सीट आज हम क्रिएट करते हैं कि वो सारे पासवर्ड आपको हमेशा याद रहे, क्योंकि ये ड्राइव जो होता है गूगल ड्राइव, आपके मोबाइल से भी कनेक्टेड होता है, सिंक आप कर सकते हो, कभी भी कहीं भी एक्सेस कर सकते हो मोबाइल के थ्रू, अपने कंप्यूटर के थ्रू, किसी भी लोकेशन पे आप हो, आपको रिक्वायरमेंट है तो आप
उसे ओपन कीजिए अपने मोबाइल पे, अपने लैपटॉप पे और एक्सेस कीजिए। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ NAME name, NAME name, ठीक है। सेकेंड पे आते हैं, यहां पर डाल देते हैं यूजर नेम। थर्ड पे आते हैं पासवर्ड, ठीक है, यहां पर लिख देते हैं LINK लिंक्स, ठीक है। अब हमें यहां पर देखना है जीमेल, GMAIL जीमेल, टैब की बटन हमने प्रेस किया, ठीक से देख सकते हो, ठीक है। यूजर नेम में आपने xyz@gmail.com, ठीक है। अब आपको याद करने की जरूरत नहीं, आपका जो जीमेल है यहां पर आपने डाल दिया। यहां पर नाम आपको डालना है, किस वेबसाइट का है, ठीक है, क्या कौन सी वेबसाइट है, कहां पर आपको क्या काम करना है। तो यहां पर यूजर नेम हो गया, यहां पर पासवर्ड इसका डाल देते हैं, सपोज AINGCROF@123, ठीक है। अब आपको जैसे कि हमने यहां पर डालते हैं जीमेल, GMAIL जीमेल हमने क्लिक किया यहां पर, ठीक है। अब अगर आप जीमेल करेंगे डाउन ओपन किसी दूसरे टैब में, चलिए मैं इनकॉग्नेटो पे आपको दिखाता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखाता हूं, GMAIL@gmail.com और इंटर कर देता हूं, ठीक है। तो एक वेबसाइट, एक नया टैब ओपन होके आएगा, ठीक है, आपके सामने ये टैब ओपन होके आता है। आप अपने इस लिंक को आप देख सकते हैं, यहां से लिंक है, ये पूरा का पूरा लिंक है, ठीक है। इस लिंक को यहां से हम कट कर लेते हैं, इसे करते हैं क्लोज, ठीक है। हम यहां पर आते हैं अपने इस लिंक के ऊपर, ठीक है, आपको मैं यहां से जूम करके दिखाता हूं और यहां पर पेस्ट कर देते हैं अपने फ्यूचर के लिए, कि हमें ज्यादा बार बार क्लिक करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो यहां पर इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा लिंक हो गया, ये हो गया पासवर्ड, ये हो गया यूजर नेम। ये जैसे कि अब मान लीजिए आपका कोई HDFC में अकाउंट है, HDFC, ठीक है। अब आपने वहां का यूजर नेम आपने रख दिया KINGCROF किंगक्रॉफ, ठीक है, वहां का यूजर नेम HDFC का, और उसका पासवर्ड सपोज कुछ दूसरा है, ठीक है, fidelity@123 आपने रख दिया। तो अब हम आते हैं इनकॉग्नेटो पे और यहां पर HDFCCCLOCC करके ही इंटर कर देंगे तो आ जाएगा, जैसा कि यहां पर आपको दिख रहा है, ठीक है। ये एक लिंक आ गया है आपके सामने, ठीक है, जिसे आप देख सकते हैं, अपना यूजर नेम, अपना पासवर्ड HDFC में। तो इस लिंक को, ठीक है, ये जो आपके सामने ये लिंक दिख रहा है, इस लिंक को कॉपी कर लीजिए, कॉपी करना है हमें और कट कर लेना है, इसे करते हैं बंद और यहां पे परमानेंटली पेस्ट कर देते हैं। तो फ्यूचर में ऐसे आप ढेर सारे, जो भी मान लीजिए यहां पर SBI का हो गया, ठीक है, यहां पर याहू का हो गया, सपोज आपकी वाइफ की अपने गर्लफ्रेंड का जीमेल का अकाउंट है, ठीक है, उसको रख दिया, तो यहाँ पर उनके सारे यूजर नेम, उनके सारे पासवर्ड वगैरह आप रख सकते हो और यहाँ पर लिंक एक बार में रख सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें आपने यहाँ पर शेयर कर लिया, ओके। अब ये और कुछ नहीं करना है, अब सिंपली ये सीट आपकी रेडी हो गई है, एटलीस्ट आप देख सकते हो यहाँ से पूरा का पूरा, ठीक है। अब यहाँ पर कोई सेव करने का ऑप्शन नहीं होता कि आपको सेव करना है, सिंपली आपको यहाँ पर टैब पे क्रॉस का चिन्ह होगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि आपने किंगक्रॉफ डेटा के नाम पे आपने ये सीट क्रिएट की है, तो हम इसे यहाँ पर जाकर बंद कर देते हैं। जैसे ही बंद करेंगे तो आपको आपका जो जीमेल अकाउंट है यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। अब आगे आप जाएंगे, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, जूम करके यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो गूगल ड्राइव, ठीक है, गूगल ड्राइव के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए, तो थोड़ा सा वेट करना है और आगे देखते हैं। ये देखिए किंगक्रॉफ डेटा के नाम पे एक सीट आपकी
बन गई है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे आपके सामने ये सीट देखेगी। जैसे कि मैंने अपना पर्सनल डेटा एक बना रखा है जिसपे सारा सब कुछ शेयर करके रखा है और अपने मोबाइल से सिंक करके रखा है। अब आप इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और उसके बाद ओपन होके आ जाएगा। तो आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, किसी भी प्लेस पर आप रहिए, कहीं भी जाइए, किसी को भी लिंक शेयर कर दीजिए, यहाँ से शेयर कर देंगे उसके जीमेल पे। तो ये ऑप्शन में, ये शेयरिंग का जो ऑप्शन है, ठीक है, मैं आपको अगली वीडियो में, डॉक में या फिर पीपीटी में जरूर दिखा दूंगा कि होता क्या है। इसको यहाँ से आप शेयर कर सकते हो, तो वो भी ये सारी चीज, कई इसमें परमिशंस भी होती है, मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं आगे। तो ये वीडियो एक्चुअली बनाने का मेरा मतलब ये था कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको रिक्वायरमेंट होता है अपने, मान लीजिए आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, उसका नंबर नहीं याद है और रिसेंटली आपको चाहिए, तो आप अपने गूगल की सीट पे जाइए और यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो शेयर कीजिए और यहाँ पर दिए हुए इस बटन पे आप देख सकते हैं सब्सक्राइब का ये बटन है, ठीक है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरी अगली वीडियो को देखने के लिए। तो अच्छी लगी हो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, थैंक यू सो मच।